अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल जेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज ग्रामर एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। द व्यूअर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. Reported speech. If we report what another person has said, अगर हम रिपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि दूसरा आदमी क्या कहता है। वी यूजुअली डू नॉट यूज द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। हम आमतौर पर स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स यानी कि डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल नहीं करते, बट रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच, देयरफॉर यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रांसफर डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए हमें सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है कि हम किस तरह डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर इज अ लिटल डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वॉन्ट टू ट्रांसफर अ स्टेटमेंट क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। और इस स्ट्रक्चर में एक बस छोटा सा डिफरेंस है किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स, व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग स्टेटमेंट्स चेक वेदर यू हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशंस फोर्थ टेंस इज बैकशिफ्ट टाइप। डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल आई स्पीक इंग्लिश, ये डायरेक्ट स्पीच है। हम अब इसी तरह किसी के डायरेक्ट स्पीच या एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के यूज नहीं कर सकते। रिपोर्टेड स्पीच नो बैकशिफ्ट, ही सेज डैट ही स्पीक्स इंग्लिश, उसने कहा कि वो इंग्लिश बोलती है या बोलता है। रिपोर्टेड स्पीच, अब इसकी जो है रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड डैट ही स्पोकन इंग्लिश स्पोक इंग्लिश ही सेड डैट ही स्पोक इंग्लिश। एंड नेक्स्ट मोर ऑन स्टेटमेंट इन रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चंस, अगर किसी का क्वेश्चन हो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना चाहते हो तो इंटरोगेटिव यानी के व्हेन ट्रांसफरिंग क्वेश्चंस चेक वेदर यू हैव टू चेंज। सबसे पहले अगर जब जिस टाइम हमने क्वेश्चन को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो प्रोनाउंस प्रेजेंट टेंस वर्ब्स थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशंस एंड टेंसेस। आल्सो नोट डैट यू हैव टू, और इसके साथ साथ ये भी नोट करें, ट्रांसफॉर्म द क्वेश्चन इंटू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी ट्रांसफर करना है। यूज द इंटरोगेटिव और इफ वेदर, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ या वेदर भी इस्तेमाल करना है। टाइप्स, इंटरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच है, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। रिपोर्टेड स्पीच ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। डायरेक्ट स्पीच विदाउट इंटरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच, डू यू स्पीक इंग्लिश। रिपोर्टेड स्पीच, ही आस्क्ड मी वेदर इफ आई स्पोक इंग्लिश। अब ये देखें, यहाँ पे कहा ना कि इंटरोगेटिव में इफ और वेदर यूज करना है, तो विदाउट ये इंटरोगेटिव है, इसमें इफ और वेदर यूज हुआ है। मोर ऑन क्वेश्चंस इन रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट, अब किसी को रिक्वेस्ट करनी है। व्हेन ट्रांसफरिंग क्वेश्चंस चेक वेदर यू हैव टू चेंज प्रोनाउंस प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन। डायरेक्ट स्पीच कैरल स्पीक इंग्लिश। रिपोर्टेड स्पीच ही टोल्ड कैरल टू स्पीक इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।